से ना, मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। प्लीज अब कहीं जाना नहीं। आई लव यू अरसलान। अरसलान, उठ गई मलके आलिया। जी वो आन देर से खुले थे। अरसलान चले गए। वाह, अपने मियाँ का कुछ होश ही नहीं है तुम्हें। आपने उन्हें जाते हुए देखा है? अरे भाई मुझे क्या मालूम है, मैं तो खुद अभी उठी हूँ। अब नाश्ता बना के दो, सब भूखे बैठे हुए हैं। और बात सुनो, अगर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है ना तो अलार्म लगाया करो। जी। और सुनो, अरसलान से पूछा है तुमने कि रात में इतनी देर से क्यों आया है? भाई पहले तो कभी भी इस तरह नहीं किया। रात गए पता नहीं कहाँ रहा है, अल्लाह जाने क्या चल रहा है। बड़ी मिसरी है ये वैसे। क्या बात है, आज भूखा मारोगी, नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? अपनी बहू से पूछें, ये मैडम उठी लेट है, अब तो यही नहीं पता है कि नाश्ता मिलेगा या दोपहर का खाना। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, इसके आने से पहले भी तो तुम नाश्ता बनाया करती थी। अगर इसकी मदद कर दोगी तो कहीं छोटी नहीं पड़ जाओगी। सामिया, सबसे पहले अपनी दादी जान को नाश्ता बना के दो, इससे पहले ये मुझे खा जाएं। तौबा है, बस जबानी की भी हद होती है। ये अरसलान कब आया था बेटा? मैं तो गोली खाकर ही सो गई थी। बस कुछ ही देर के बाद आ गए थे। सब खैरियत तो थी ना? पता नहीं, कह रहे थे कि मीटिंग में था इसलिए कॉल नहीं उठा सका। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। बेटा हमेशा अपने घर वालों का ख्याल रखना, और एक बात याद रखो कि औरत अपनी खिदमत से ही ना मर्द का दिल जीतती है। और मर्द औरत का दिल कैसे जीत सकता है? उसकी तारीफ करो, उसके हर काम को सराहो। मतलब औरत होने में सरासर खसारा ही है। जब माँ बनोगी ना बेटा, जब पता चलेगा कि हमेशा मर्द ही खसारे में रहता है। अब बैठे मैं नाश्ता। हाँ।